देखिए, हम विज्ञान की बहुत कद्र करते हैं, तो वैज्ञानिकों की भी बहुत कद्र करते हैं। हिंदुस्तान चांद पर जाता है, आपके यहाँ मर्द औरत पर चढ़ते हैं। हिंदुस्तान चांद पर चढ़ने की कोशिश करता है, सूर्य को छूने की कोशिश करता है। आपके पाकिस्तान में मर्द औरत को दबाने की कोशिश करते हैं, औरत को अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्क है आपके और हमारे देश में। साहब, मैं बताना चाहूंगी कि ये पहले एपीजे अब्दुल कलाम रोड नहीं था, ये पहले औरंगजेब रोड था। पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में ये इस रोड को एपीजे अब्दुल कलाम रोड दिया गया, क्योंकि ये देश के वासी, ये सनातनी, ये हम सब जो देश प्रेमी हैं, जिसको देश से बहुत मोहब्बत है, वो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सोचा, जिन्होंने भारत के लिए सोचा, जिन्होंने इस भूमि के लिए सोचा, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए सोचा। सोचो आप, साइकिल से अपने विज्ञान को स्टार्ट करता हुआ इंसान आज एक ऐसी दिशा को दिखाकर गया है कि इसरो ने हमें चांद तक पहुंचा दिया और वहां तक झंडा लहरा दिया, तिरंगा, और अब तो सूर्य पर भी हमारा वेलकम हो चुका है। तो आप सोचो कि साइकिल से रॉकेट तक का सफर, तो उनके लिए मुझे लगता है कि जितना नेहरू को सम्मान दिया जाता था, उससे कहीं ज्यादा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देना चाहिए, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी को सम्मान देना चाहिए, ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, शास्त्री जी को सम्मान देना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वाकई में इन्होंने इस भारत की मिट्टी के लिए किया है। तो अब क्या हो गया है कि अब एक प्रथा चली है कि हम वीरों को सम्मान देंगे, हम फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान देंगे, हम भगत जी को सम्मान देंगे। तो ये चीज हमारे मन में पहले होता था, हम पहले मन में सोचते थे क्या हर जगह नेहरू जी, नेहरू म्यूजियम, नेहरू ये, नेहरू वो, क्यों, क्या किया है उसने, हमारे पहले मन में आता था, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी, बोल नहीं सकते थे। अरे बोलेंगे तो एफआईआर कट जाएगा हमारे नाम से। कांग्रेस की ऐसी सरकार थी कि भाई आप बोल नहीं सकते हैं, आपको चुप रहना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी के फेवर में, आप अगर बोलेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फेवर में, आप अगर बोलेंगे कि आप भगत सिंह के फेवर में, तो भाई आप ना, आपका तो कुछ ना कुछ हो ही जाना है। तो जैसे आज आपके पाकिस्तान के हालात है ना, कि आप सोचो कि आप इतनी छोटी उम्र की हैं, आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आपको लोग मलाइन कर रहे हैं, आपको लोग डिफेम कर रहे हैं, आपको लोग गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठ रही हैं। तो सेम उसी तरीके से जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब तक हम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे थे, तब तक मैं भी बहुत मलाइन हुई हूँ, मैं भी बहुत गालियां सुनी हूँ। इवन आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान अनम मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। आप सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम के आप कमेंट में जाकर के देखो कि 80 से ज्यादा % हिंदू मुझे सर आंखों पे उठाकर रखता है, और वहीं पर 5% 6% सुन्नी मुसलमान मेरी माँ को गाली, मेरी बहन को गाली, मेरे बच्चे को गाली, मेरे मेरे अस्तित्व को गाली, और इतनी गंदी गालियां जिसको मैं अपने शब्दों से इस्तेमाल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो ये जो अब जो नए हालात हिंदुस्तान के पिछले 9 साल में हुए हैं, यहां पर हमें अनुमति है कि हम बोलेंगे कि भगत सिंह हमारे हीरो हैं, राजा राम मोहन रे हमारे हीरो हैं, शिवाजी महाराज हमारे हीरो हैं, द ग्रेट अशोक हमारे हीरो हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे हीरो हैं, हम ये बोल सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे हीरो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे हीरो हैं। और आज देखिए, इतनी बड़ी G20 की समिट हो रही है, और तोहफे में ये तमाम लोग जिसके मैंने नाम आपको गिनाए हैं, अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट, चांसलर और प्राइम मिनिस्टर के, इनको भगवत गीता दिया जाएगा तोहफे में, भगवत गीता इनको दिया जाएगा, और भगवत गीता के चित्र को दर्शा करके, भगवत गीता की खूबसूरत बातों को दर्शा करके बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं जहां पर ये G20 की मीटिंग होने वाली है। इतना ही नहीं, आप सोचो कि मैंने आपको जो पिक्चर भेजी है उसमें एक एलिफेंट है, एक हाथी है, उसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, तो वो भी दर्शाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, भारतनाट्यम को
चित्र के द्वारा बनाया गया है, भरतनाट्यम का डांस किया जाएगा। भगवद गीता में जितनी खूबसूरत बातें कही गई हैं, वेदों में जितनी खूबसूरत बातें कही गई हैं, उस पर कुछ ना कुछ चित्र बना करके उसको खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। तो आज सीना ठोक करके भारत का हर एक नागरिक भारत माता की जय बोल पा रहा है, जय सिया राम बोल पा रहा है, भारत का हर एक नागरिक भगवद गीता के बारे में बात कर पा रहा है, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको टोक नहीं रही, आपको मैं कहीं नहीं कह रही, आपकी बात सुन के मैं अपनी राय भी नहीं रख रही, क्योंकि मैं सुनना चाह रही हूँ कि आज हिंदुस्तानी होने पर कितना फख्र महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे मुल्क के अंदर ग्रैंड 20 कंट्रीज एक साथ आएंगी, किस तरह के वो अपने इमोशनल को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये सब मैं सुनना चाह रही हूँ, जबकि मेरे दिमाग में और जुबान में बहुत से सवाल जवाब आ रहे हैं आपकी बातें सुन के। अभी अपने APJ अब्दुल कलाम की बात किया, रोड बनाया, उनको प्रेसिडेंट बनाया, बड़ी तरीके की चीजें होंगी। हम मैं आपको बताती चलूँ, हमने भी उन्हें हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमें जिन्होंने एटमी ताकत बनाया, हमने भी उन्हें बहुत सेफ रखा मैम, हमने उन्हें नजरबंद किया था ताकि उनको कोई और नजर ना लगा सके। मतलब आप ये देखिए कि हम लोगों ने उन्हें एक एक कैद कर दिया कि भाई और कोई वहां पर ना आ सके, उनको कोई ना दे सके, हमारा कीमती असासा कोई चुरा ना सके। तो ये हमारी प्रायोरिटी ये है। आपने फर्स्ट पे बात की चाइना की, कि चाइना के शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, तो सुनने में आया है कि वो नहीं आ रहे। और अभी आज की एक न्यूज भी मैं देख रही थी कि चाइना ने जो आईफोन 15 है उसको बैन कर दिया है कि ये इंडिया चले गए हैं, अब चाइना नहीं आएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है कि ये सच है कि चाइना नहीं आ रहा है, या अभी कुछ चांसेस हैं आने के? देखिए, जो आ गए उसके लिए बहुत बहुत वेलकम, जो नहीं आए उनके लिए भीड़ कम। ठीक है, चाइना के पेट में दर्द है, चाइना के इकोनॉमिकल ग्राफ जिस तरह से जमीन पर पटकाए हैं और मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है, ये उनको हजम नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अनम ऐसा है ना कि मैं किताबें बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, ये सब जानते हैं, देश के हर एक देश के लोग जानते हैं। मैंने कई बार अपने मन में एक चीज देखी और प्रैक्टिकली भी महसूस किया है कि जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील मुकाबले के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मेरे इस जवाब से आपको समझ में आ गया होगा, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाइना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपसे पहले कहा कि आ गया तो मोस्ट वेलकम चाइना के लिए, नहीं आया तो भीड़ कम चाइना के लिए, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हिंदुस्तान ने, इस भारत ने अपनी तरक्की के लिए अब बीड़ा उठा लिया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है आपसे मिलने का, तो इसका मतलब है कि वो वक्त निकालना नहीं चाहता है। मेरे इतने बिजी शेड्यूल में भी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा गला अभी भी दर्द कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूड मुझे पब्लिक मीटिंग होती है उसमें बोलना पड़ता है, मेनस्ट्रीम मीडिया होता है उसमें बोलना पड़ता है, कोर्ट होता है उसमें बोलना पड़ता है, क्लाइंट्स आते हैं उसमें बोलना पड़ता है, उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग होती है उसमें बोलना पड़ता है, और सब जगह बोलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं ब्रॉडकास्ट पे बैठती हूँ, मैं ना नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सर्वोप्रिय है और सर्वप्रथम है। मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही थी 3-4 दिन पहले कि जिस दिन काम से प्रेम हो जाएगा उस दिन आप तरक्की करेंगे। तो जब हम काम से प्रेम करते हैं ना, तो हम तरक्की जरूर करते हैं, क्योंकि 14 घंटा 18 घंटा जो हम वर्क करते हैं, उस 18 घंटे में कुछ ना कुछ तो फ्रूटफुल चीजें हमें रिटर्न में मिलती हैं, हम वापस हमको मिलता है। तो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में 1 घंटे कभी छुट्टी नहीं लिए हैं, तो हम तो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना, तो हम क्यों छुट्टी लेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर चाइना के GDP ग्रोथ में कमी आ रही है, उनके इकोनॉमिकल ग्राफ में कमी आ रही है, तो उनको अपने अंदर देखना चाहिए कि उनकी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से चेंज होनी चाहिए, उनको किस हिसाब से और वर्क करना चाहिए कि वो फिर से आगे निकल जाए। लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से उनकी GDP या पाकिस्तान के हालात तो सही नहीं हो जाएंगे ना।
आप हिंदुस्तान को आपके रोड पर गालियां देते हैं, लड़के मर्द औरतों को गालियां देते हैं पाकिस्तान के रोड पर, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हमारे औरत की जात में कुछ फर्क पड़ जाएगा? या छोटे छोटे बच्चे जब पाकिस्तान में बोलते हैं कि हिंदुस्तान जाएंगे तो बम गोली चला देंगे, भारत में हम बम गोली चलाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? ये मुमकिन है? आपके पाकिस्तान के कुछ चुन्नू मुन्नू बंदर छाप हैं, दाढ़ी टोपी रख करके वो छोटे छोटे रील्स बना रहे हैं मेरे लिए कि ये औरत खादियानी है, इसकी बातें ना सुना करो। तो भैया क्या मतलब है? मुझे पाकिस्तान जिंदगी में कभी जाना है नहीं, मुझे कोई मतलब है नहीं, मुझे इनवाइट किया जाता है, मैं अपनी बातों को पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट में मैं रख देती हूँ, दैट्स इट। तो वहां पर मेरे अगेंस्ट में ये सारी चीजें करके, अपना नेट खर्च करके, इतनी भिखारी की हालात में मेरे अगेंस्ट में रील्स बनाना और मेरे अगेंस्ट में फतवा निकालना, ये तो बेवकूफी की अलामत है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी तरक्की पर सोचना चाहिए, अपने आप को सक्सेस करने पर सोचना चाहिए, किसी और पर नेगेटिव टिप्पणी करने से कोई फायदा हासिल नहीं होता है। बिल्कुल, एक बाप अच्छी तरबियत दे पूरे घर सवर जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आप सबको एक बना डाला है, और ये बात कोई माने ना माने, मैं जरूर मानती हूँ कि आप सब ईमानदार, ह्यूमैनिटी रखने वाले, तभी आप लोग कामयाब है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोई बुलाता है तो वो एटीट्यूड नहीं दिखाते, बल्कि वो खुदा भी बुलाए तो वो अपने खुद जाते हैं, मतलब खुद मीटिंग्स करने जाते हैं, कई जगह पे वो खुद गए हैं, बुलाए बगैर भी गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये है कि बाकी गवर्नमेंट्स की तो बात ही नहीं करूंगी कि भाई वो एक तो खुद भिखारी लेकर चले जाते हैं कशकोल, अभी इमरान हाय वो इमरान खान का थोड़ा बहुत हमें था भाई ये कट जाएंगे, बट उनका एटीट्यूड ही नहीं मानता, उनकी वो चीजें ही नहीं खत्म होती थी, वो जाते थे तो ऐसे प्राउड से जाते थे जैसे पूरी दुनिया में इन्होंने राज करना। तो ऐसे मुसलमान मर्दों में घमंड बहुत होता है ना, जय मुसलमान मर्द, और ये जो घमंडिया जो तेवर है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान में, ये सऊदी अरबिया, दुबई, ये सब में नहीं है, ये सब के लोगों में नहीं है, ये लोग बड़े डाउन टू अर्थ है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान मर्द और पाकिस्तान के मुसलमान मर्द अपने भावों को चढ़ा करके ही रखते हैं, मानो जैसे कि भाव नीचे कर देंगे तो इनकी औकात और इनकी इज्जत नीचे गिर जाएगी। अब आप कह रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत डाउन टू अर्थ है, तो उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में, अपने भगवद गीता में, अपने हनुमान चालीसा में ही सीखा है ना अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ रखना। तो ये तो उनका उनका जो धर्म की जो किताब है, उनके जो पूर्वज है, वो जहां से आ रहे हैं, उन्होंने जो अपने भगवान से सीखा है, वो तो डाउन टू अर्थ वाली बात ही सीखी है ना। मैम, हमने इस्लाम को पढ़ के इस्लाम को सीखा नहीं है। आपने अभी अपने ही अल्फाजों में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान सीना तान के चलने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ देखे तो मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान का 6 घंटे का दौरा कैंसिल करके हिंदुस्तान जा रहे हैं। मतलब अगर वो मुसलमान 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 करते रहते, इस्लाम 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 करते रहते, तो शायद वो पाकिस्तान आ जाते, वो हिंदुस्तान ना जाते। अल्लाह के मानने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान अगर कुरान को अच्छे से पढ़े होते, कुरान तो कहता है ना बदलाव, मॉडिफिकेशन, सोचो, कन्फ्रंटेशन करो, ना सोच आए तो ध्यान दो कि हमको क्या सोचना चाहिए, तरक्की। तो ये सारी चीजें, कुछ अच्छी बातें जो लिखी हुई हैं, क्या उस पर तो चला जा सकता है ना। आज उस पर सऊदी अरबिया चल रहा है तो इस पूरी दुनिया में उसका मुकाम तो बहुत बड़ा है ना। आज दुबई चल रहा है तो इस पूरी दुनिया में उसका मुकाम तो बहुत बड़ा है ना। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जो अच्छी चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, अच्छी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, और जो अच्छी बातें भगवान राम की आइडियोलॉजी से मिल रही है वो उसको भी अडेप्ट कर रहे हैं, वो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें बुरा तो नहीं है ना, इसमें गलत तो नहीं है। और आपकी ही एक बात थी वो मुझे बड़ी पसंद आई थी, और ये बात रियलिटी है, माने ना माने कोई, या गालियां दे या जो भी है, लेकिन ये रियलिटी है कि इस्लाम, अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान हम है ना, हम अगले बंदे को क्यों कहते हैं कि भाई वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। आप इस्लाम के मानने वाले हो, आप मुसलमान हो, तो अपने तक रखो, और आप पूरे
कंट्री को उस तरह से क्यों रूल करना चाहते हो। वैसे भी हमारा शुरू से मसला है और इस बात से बहुत ज्यादा पाकिस्तानी भी इतराफ करते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम भी साथ जमहूरियत भी साथ, लेकिन किसी कंट्री को देखें तो ऐसा नजर ही नहीं, जमहूरियत हो ही नहीं सकता ना। इस्लाम हो सकता है तो जमहूरियत नहीं हो सकता, जमहूरियत हो सकता है तो इस्लाम नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में बंदिशें बहुत है, इस्लाम में पाबंदियां बहुत है। अपने आप को वास्ट करने के लिए, अपने आप को इस पूरी दुनिया में दिखाने के लिए, आज जिस तरह से भारत इस पूरी दुनिया में सर्वप्रथम देखा जा रहा है, आज इस भारत के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम देश अपने सर पलकों पे बिठा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग ये मानने को तैयार है ना कि भगवत गीता की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बहुत वास्ट है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ज्ञान है उसमें। हम तो पढ़ते भी है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। भारती का संस्कृत में भारती का मतलब ही क्या होता है, लवर ऑफ नॉलेज, तो ये सब बहुत बड़ी चीज है ना। बिल्कुल मैम, अपना अपना जो दीन है या अपना अपना मजहब जो है वो हर किसी को बड़ा ही प्यारा होता है, और मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं भी करना चाहती जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो, तो इस बात को बस यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी कि हमें मुसलमान और इस्लाम इस्लाम करके हम लोगों को दुनिया से कट नहीं करना चाहिए। जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं हमें वो भी फायदा दे सकती हैं। हम चाइना 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 करते हैं तो चाइना कौन सा इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया देख लो भाई, दुनिया में जाता है, वहां पर बाथरूम बनाया है, बिल्कुल तब ये मुसलमान क्यों मुंह बंद करके रखे हुए हैं। और चाइना में इतनी वीडियोस वायरल हुई थी कि मुस्लिम पे इतना जुल्म है, वहां दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, वहां पर रोजे का बड़ा मसला रहता है कि रोजा नहीं रखने दिया, मतलब इस तरह की काफी वजूहत थी। तो आज तक, और आपको मजे की बात बताती हूँ, एक ये टॉपिक मैंने उठा लिया गलती से, मतलब मैंने गलती कर ली, मैं पब्लिक में चली गई, मैंने पूछ लिया, मैंने ये टॉपिक पे बात शुरू की, भाई एक भी इंटरव्यू नहीं दे रहा, कहते नहीं 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 हम चाइना के साथ काम करें, हम चाइना के साथ काम करें, हम चाइना के साथ काम करें, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। ये तो हालात है कि भाई उसके साथ काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो ये बोलेंगे नहीं, चाहे अब हिंदुस्तान में बाहर में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तब मस्जिदों को तोड़ करके टॉयलेट बना दिया जाए तब फर्क नहीं पड़ता है। वाह रे मुसलमान, वाह तालियां। यही तो मतलब ये बात समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान में नहीं भी होता होगा तब भी इन्होंने कहना होता है, लेकिन चाइना में होता भी होगा तो इन्होंने कहना नहीं भाई चाइना हमें दे रहा है, देना बंद करेगा, हमने नहीं कुछ ना, पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं से भी बात कर लीजिए, हमारा हिंदुस्तान बहुत लिबरल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और इसकी जीती जागती मिसाल मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैंने कई बार और कई घटनाएं तो आप लोगों ने खुद भी देखी है, मुसलमानों की हठगर्मियां, मुसलमानों की बदतमीजियां यहाँ पर तो देखने को मिलती ही है। मैंने तो आपको बेसाख्ता कहा है कि मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए और उसके उसमें जो कमेंट्स आए हुए हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सिविलाइज्ड हिंदू होता है और कितना बदतमीज और ठरकी मुसलमान होता है, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं ये काम लाजमी कीजिएगा, जाके देखिए।